हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेने वाला हूं डी-लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि इस पे बेस्ड ये जो टेस्ट है, अगर ये टेस्ट आपको समझ में आता तो आगे जो मैं लेने वाला हूं रेबेस टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट जो वो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा क्योंकि उसका यूज़ वहाँ पर आने वाला है। और स्टूडेंट, इससे पहले मैं जो आपकी वीडियोज़ अपलोड कर सका हूँ इस टॉपिक पे, दैट इज़ इनफाइनाइट सीरीज़ सिक्वेंस एंड सीरीज़ में जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के ऊपर, दो टेस्ट मैं बता चुका हूँ, कंपेरिजन टेस्ट है और एक टेस्ट मैं बता चुका हूँ आपको कोच इंटीग्रल टेस्ट। सो स्टूडेंट, मेरे जो पहले वाले वीडियोज़ है आप आराम से देख सकते हैं वहाँ पे, और मैंने सिक्वेंस एंड सीरीज़ पे बेसिक कंसेप्ट भी लिया था वो भी आप देख सकते हैं, और मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं जो हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो भी मैंने काफ़ी सारे अपलोड कर रखे हैं, तो यहाँ IIT12 यहाँ पे आप देख सकते हैं और मेरी जो प्लेलिस्ट वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि मेरा जो चैनल है वो आपको रियली हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, और लाइक तो बनता ही है, राइट। सो देखिए आप लोग यहाँ पे डी-लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या है। द सीरीज समेशन UN ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट, राइट। ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN प्लस 1 अपॉन UN इज लेस देन इक्वल टू 1, अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो वो कन्वर्जेंट होगा, अगर उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो डाइवर्जेंट होगा, और अगर बराबर है तो टेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया, फेल हो जाएगा। अब जब टेस्ट फेल होगा तब आप बोलोगे सर हम क्या करेंगे, जब टेस्ट फेल होगा तो उसके आगे वाले जो मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जहाँ पे मैं रेबेस टेस्ट बताने वाला हूँ, जो लॉगरिथमिक टेस्ट बताने वाला हूँ, वो अप्लाई होगा वहाँ पे, राइट। तो आप उसके लिए आप आगे वाले मेरे वीडियोस देखें। यहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी UN की वैल्यू अगर जीरो होती है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, ये आप कंसेप्ट याद रखें, ये कंसेप्ट हम सीधा यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। और अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी UN की वैल्यू जीरो नहीं आ रही और जीरो से बड़ी आ रही है तो उस वाले केस में क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, राइट। सो देखिए यहाँ पे टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज दिस वेर एक्स इज पॉजिटिव। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका हम UN लिखेंगे, तो UN क्या होगा, देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो भैया हमारी जो एन टर्म होगी क्या होगी, वो एन स्क्वायर होगा, और देखो ये 2 स्क्वायर है, राइट, यहाँ पे ना 2 है तो ये इसकी पावर कितनी 1 है, यहाँ 3 है तो इसकी पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ एन है तो इसकी पावर कितनी होगी, एन माइनस 1 होगी, समझ में आ रहा है। सो ये UN है ना, तो इसका जो UN प्लस 1 इसकी अगली टर्म क्या होगी, जहां पर n है वहां क्या रखेंगे भैया, क्या रखेंगे n प्लस 1, तो ये आएगा x पावर n। नाउ हम क्या करने वाले हैं, अब हम चेक करने वाले हैं लिमिट, सबसे पहले नॉट लिमिट, हम बात करेंगे यहां पे UN प्लस 1 अपॉन UN की, तो UN प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x पावर n अपॉन n स्क्वायर x पावर n माइनस 1, राइट। तो अब हम बात करेंगे यहां पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN plus 1 upon UN is equal to limit n tends to infinity n, this is n, right? तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो n है, ये n है ना, थोड़ा सा n है, okay? तो इसको आप n को अंदर लेंगे तो आएगा 1 upon 1 plus n का whole square, और ये कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा ये x। तो स्टूडेंट जैसे ही n tends to infinity रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। नाउ बाय डी-लैम्बर्ट, है ना, डी-लैम्बर्ट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, एक्स इज लेस देन 1, है ना, या इसको लिखेंगे समेशन UN इज कन्वर्जेंट एफ एक्स इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। नाउ If x is equal to 1, अब बात करते हैं कि भैया हमें ये तो पता पड़ गया कि यार इसकी वैल्यू क्या आ रही, x आ रही, और अगर x x से छोटा होगा तो ये क्या होगा, कन्वर्ज, इसका रेशियो 1 से छोटा है, अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी तो क्या होगा, वो कन्वर्जेंट होगा, है ना, और 1 से बड़ी होगी तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, राइट, 1 से बड़ी होगी तो डाइवर्जेंट। अब बराबर 1 होगा तो क्या होगा, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे, राइट, तो जैसे मैं इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या रखूंगा, 1 रखूंगा तो ये यू ना आएगा, तो जैसे मैं इसकी वैल्यू x क्या करूंगा, 1 रखूंगा, तो यहाँ पे क्या रहा है, UN UN इज इक्वल टू कितना रहा, एन स्क्वायर, अरे यार जहाँ पर x वहाँ के रख दिया 1 रख दिया, तो UN कितना रहा, एन स्क्वायर। अब ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, अब क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर, और जैसे n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो स्टूडेंट ये कितना आएगा, इन्फिनिटिव, और ये इन्फिनिटी आएगा तो ये वैल्यू क्या, ये क्या होगा, UN क्या होगा यहाँ पे, डाइवर्जेंट होगा, तो एट x इज इक्वल टू 1 UN is divergent। तो स्टूडेंट जब ये एक से छोटा है तो क्या है, कन्वर्जेंट है, और एक से बड़ा और बराबर है तो क्या है, डाइवर्जेंट है। तो यहां पे हम दैट इज हैंस x इज इक्वल टू UN इज
समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सॉरी लेस देन इक्वल टू वन, एंड डाइवर्जेंट इफ एक्स इज लेस देन, सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन और बराबर फन. तो जब x की वैल्यू एक से बड़ी और बराबर होगी तब ये यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा. तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टूडेंट यू एन है उसका n प्लस वन निकाल दिया. देन हमने क्या निकाला, इसका रेशियो निकालेंगे, रेशियो n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो वहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही, x आ रही. अब इसका जो भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट किस पर डिपेंड करेगा, x पर डिपेंड करेगा. अगर x एक से छोटा है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा. एक से बड़ा है तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा. पर बराबर पे क्या होगा, फेल होगा. तो हम बराबर रख के देखेंगे. बराबर हमने रखा, रखने पर क्या आएगा, एन स्क्वायर इसकी वैल्यू, जैसे एक्स की वन रखा तो एन स्क्वायर और एन को हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही, इन्फिनिट आ रही. और इन्फिनिट आ रही मतलब ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा. तो स्टूडेंट वन बराबर वन और ग्रेटर देन वन पे क्या हो रहा है, ये डाइवर्जेंट हो रहा है. और लेस देन वन पे ये क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब बराबर वन पे हम यहाँ सीधा सीधा कंसेप्ट नहीं सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे अगले जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वो हम अप्लाई करते हैं. सो स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन और इस टॉपिक पर लूंगा और फिर हम खत्म करेंगे. सो स्टूडेंट नेक्स्ट दो क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे हम यहाँ पे. बोला टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ एक्स अपॉन वन बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री इंटू फोर, है ना, ये हमारे पास दे रखा है और हमें पता करना है कि यार ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है. तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम इसका एन टर्म लेंगे. और एन टर्म क्या होगा स्टूडेंट, ये एक्स वन है ये टू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एक्स पावर एन आएगा. और ये वन है तो यहाँ भी वन आ रहा है, तो ये ले लेंगे हम एन. और ये वन है और ये थ्री है, तो यार ये आएगा आपके पास टू एन माइनस वन, बिकॉज ये टू है तो ये आएगा आपके पास टू एन. अब आप चेक कर लो यार, देखो हम चेक करना पड़ेगा कि यार हमने जो रखा वो सही है कि नहीं है. तो जहाँ पर एन है वहाँ वन रखो, तो वन रखेंगे तो वन आएगा, यहाँ वन रखेंगे तो टू माइनस वन कितना आ रहा है, वन आ रहा है. और यहाँ वन रखें तो अब अगली टर्म चेक करो, जहाँ पर एन है वहाँ टू रखो, टू टू रखेंगे तो फोर में से वन गया तो थ्री और टू, बिल्कुल सही है ना. तो आप इस तरह से यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं कि हमने जो एन टर्म ली वो सही लिखनी है. नाउ इसका यू एन प्लस वन क्या होगा स्टूडेंट, ये आएगा एक्स पावर एन प्लस वन. और यहाँ एन प्लस वन रखेंगे तो ये आएगा टू एन प्लस वन, और ये आएगा आपके पास टू एन प्लस टू. नाउ स्टूडेंट क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, हम लोग चेक करेंगे कि इसका जो वैल्यू आएगी वो यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की वैल्यू कितनी आएगी. सो यू एन प्लस वन यू एन की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हम इसको डिवाइड करेंगे. सबसे पहले ये आएगा दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो मैं इसको लिखा हूँ एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस टू. उसके नीचे ये लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना. तो इन टू यहाँ क्या आएगा, टू एन माइनस वन इन टू टू एन अपॉन, यह आएगा x पावर n. और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिस इज n, राइट. तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2n माइनस वन इन टू टू एन अपॉन टू एन प्लस वन इन टू टू एन प्लस टू, और ऊपर आ जाएगा ये x. नाउ जैसे हम n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं n को कॉमन निकालूंगा. तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n को कॉमन निकालेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ भी n को कॉमन निकालेंगे तो n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होगा तो 2 अपॉन वन माइनस n. और यहाँ भी आ जाएगा ये n कॉमन आ जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई यहाँ भी n कॉमन आएगा तो स्टूडेंट आएगा 2 प्लस 1 बाय n. और यहाँ आएगा 2 प्लस 2 बाय n इंटू एक्स. और जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ऊपर 4 नीचे भी 4, तो बचा कितना सिर्फ हमारे पास इसकी वैल्यू x. तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, x है. नाउ बाय डी एल लंबर्ट रेशियो टेस्ट यू एन इज कन्वर्जेंट, समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट इफ एक्स इज लेस देन वन, एंड डाइवर्जेंट इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन. अब इफ एक्स इज इक्वल टू वन, हम बात करेंगे जब एक्स इज इक्वल टू वन होगा तो क्या होगा. तो जहां पर एक्स वहां क्या रख देंगे, वन. तो वन रखेंगे तो यहां पर हमारे पास जो यू एन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, टू एन माइनस वन इंटू एन इंटू टू एन. तो स्टूडेंट हम एक तो पुराना जो पिछले वाले क्वेश्चन हम लगाया था उस कंसेप्ट से लगा सकते हो. अब यहाँ पे आप चाहो तो कंपैरिजन टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो. अगर ये हमने लिया है तो हम देख रहे हैं नीचे कितना आ रहा है, एन स्क्वायर आ रहा है. तो यहाँ पे वी एन ले लीजिए वन अपॉन एन स्क्वायर. अगर आपको कंपैरिजन टेस्ट के बारे में आइडिया नहीं तो स्टूडेंट मेरा जो पुराना वाला वीडियो है वहाँ पे आई टिप से आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको दिख जाएगा. नाउ अब हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी
VN अपॉन UN चेक करेंगे, तो जैसे VN अपॉन UN चेक करेंगे तो VN की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन N स्क्वायर, और यहाँ आ रहा है ये 2N माइनस 1 इंटू 2N, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी दिस इज 1 अपॉन, राइट, तो ये आएगा 1 अपॉन, है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आएगा 2 लिमिट यार, है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और हम इसको वैल्यू रखेंगे दिस अपॉन दिस करेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ सीधा 2n माइनस 1 अपॉन इंटू 2n अपॉन नीचे कितना आएगा n स्क्वायर, और इसको हम जैसे n को कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 आएगी, और ये 4 आ रहा है मतलब क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, है ना, और पॉजिटिव आ रहा है तो इस मीन्स यहाँ पे किसकी समेशन जो यू एन होगा वो क्या होगा, दैट इज समेशन वी एन इज कन्वर्जेंट, that is summation by comparison test by comparison test summation un is convergent. तो इसका मतलब ये हुआ कि बराबर 1 पे भी ये क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट आ रहा है, और लेस देन 1 पे भी क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट आ रहा है, तो ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्चुअली क्योंकि जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज समेशन UN is convergent if x is less than equal to 1 and divergent if x is greater than 1. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहां पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. सो स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, आप टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस, तो वही सेम यहाँ कंसेप्ट है, यहाँ पे यू एन आपको दे रखा है, यू एन कितना दे रखा है स्टूडेंट, x पावर n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, तो यू एन प्लस वन कितना होगा, x पावर n प्लस वन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन. नाउ हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन प्लस वन अपॉन यू एन लिखा लेंगे, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, है ना, यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या आएगी, x पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन इंटू, इसको लेंगे अपन, तो ये आएगा एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स पावर एन, तो इसकी मैं सीधा वैल्यू निकालू तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एन स्क्वायर प्लस वन, और इसको मैं होल स्क्वायर खोल ही लेता हूँ तो ये आएगा एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू, और ऊपर एक्स आ जाएगा. नाउ स्टूडेंट हमें ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा वन अपॉन वन बाय एन स्क्वायर, और यहाँ एन स्क्वायर कॉमन आएगा तो वन प्लस 2 बाय एन प्लस 2 बाय एन स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x आएगी, बिकॉज जैसे एक n की जगह इन्फिनिट रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, राइट. अब क्या हो रहा है, दैट इज, है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही x आ रही, है ना, तो समेशन बाय डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट summation un is convergent if x is less than 1 and divergent if x is greater than 1 if x is equal to 1. हम चेक करेंगे अभी x is equal to 1 पे क्या हो, तो जहां पर x वहां कितना रखेंगे स्टूडेंट, 1 रखेंगे, तो हमारे पास un की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन n स्क्वायर 1, है ना. नाउ लेट हम वही सेम पुराना कांसेप्ट लेंगे, लेट कंपेरिजन टेस्ट वाला, लेट वी एन इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, वन अपॉन एन स्क्वायर. नाउ यहाँ हम बात करेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन वी एन अपॉन यू एन, दैट इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, उसको सिंप्लीफाई, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और विच इज क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है ना, फाइनाइट और पॉजिटिव आ रहा है, तो समेशन वी एन इज कन्वर्जेंट and by comparison test summation un is also convergent, that is summation un is convergent if x is less than equal to 1 and divergent if
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। स्टूडेंट मैंने आपको एक कंसेप्ट और बताया था कि अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहो तो आप एक वो भी यूज़ कर सकते हो कि एन टेंस टू इन्फिनिट पर अगर इसकी वैल्यू जीरो हो रही है तो वो कन्वर्जेंट होगा। जैसे एन टेंस टू इन्फिनिट रखेंगे तो वन बाय जीरो हो रहा है और ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वन, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। पर मैंने एक कंसेप्ट और आपको बताया क्योंकि कुछ बुक्स में ये भी यूज़ कर रखा है, तो आप बोलोगे सर बुक में तो ये बता रखा है, आपने तो ये बता दिया, तो ये स्टूडेंट का रहता है, तो मैंने आपको इसलिए समझाया। सो स्टूडेंट मेरे जो वीडियोज़ हैं आपको हेल्प कर रहे होंगे, और अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लास्ट की जो स्क्रीन आ रही है इस पर मेरे पुराने जितने भी वीडियोज़ हैं वो सब मैंने डाल रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और नेक्स्ट मैं आपके सामने और भी जो वीडियोज़ हैं इस टॉपिक के ऊपर 3 से 4 वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।